नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल गोरिस्का होम्स में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि रोटी को सॉफ्ट और स्वादिष्ट कैसे बनाया जाए। तवे पे तो हम सभी रोटी बनाते हैं, पर मैं आपको नए तरीके से बनाना सिखाऊंगी आज। तो मैंने ये एक कटोरी आटा ले लिया है, इसको छन्नी से छान लेंगे। आज मैं आपको जो रोटी बनाना सिखाऊंगी वो बहुत ही नए तरीके से है और बहुत ही स्वादिष्ट और सॉफ्ट बनने वाली है। तो मेरा ये आटा देखिए छन गया है। अब मैं इसमें नमक ऐड कर दूंगी। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंथ लूंगी। बिगनर्स थोड़ा थोड़ा पानी ही डाले, उनको आइडिया नहीं होता है आटे में कितना पानी जाना है, और वो कई बार इतना पानी डाल देते हैं कि बहुत ही गीला हो जाता है, जिससे रोटियां बेलने में बहुत ही मुश्किल होती है। इसे हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही गूंथना है, पानी डालते जाना है, मिक्स करते जाना है। इस तरीके से देखिए ये डो तैयार होने लगा है, और ये मेरा डो अब तैयार हो चुका है। अब मैं इसे 5-10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दूँगी। तवे पे तो हम सब लोग रोटियां बनाते हैं, पर मैं आपको आज इस पर मिट्टी के ये कल्ले पर रोटियां बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत ही आसान है। देखिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ इसको, गैस को ऑन कर लेंगे और इस कल्ले को रख देंगे। इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है, ये इसका हैंडल गर्म भी नहीं होता है, बार बार हम तवे के जैसे उठाकर उसको वापस नीचे रख सकते हैं। रोटियों को सेकने के लिए जब बार बार तवे को उठाते हैं, इसको भी हम उठाकर रख सकते हैं। अब मेरा आटा भी तैयार हो गया है, इसके बाद मैं इसको छोटे छोटे पेड़े तोड़कर इसको गोल करके आटा लगाकर इसको बेलूंगी। आटे को रेस्ट पे रखते हैं तो बहुत ही सॉफ्ट आटा हो जाता है, जिससे हमारी रोटियां फटती भी नहीं है और बहुत ही सॉफ्ट आती हैं और बेलने में भी बहुत आसानी है। तो एक ये टिप है कि आप इसको आटा मसने के बाद थोड़ी देर इसको रेस्ट पर ज़रूर रखें। आज हमारी रोटियां इसलिए स्वादिष्ट होने वाली हैं क्योंकि ये कल्ला जो है वो मिट्टी का बना हुआ है, और मिट्टी जब गर्म होती है तो उसकी एक अलग ही खुशबू आती है, जो हमारी रोटियों के साथ ये खुशबू मिलने वाली है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी रोटी बन चुकी है। अब मैं इसको किस तरीके से इस पर डालूंगी, ये बहुत ही आसान है। देखिए मैंने इसे डाल दिया है। हमारी रोटी जब तक ये सिकने वाली होगी तब तक हम ये दूसरी रोटी बेल कर तैयार कर लेंगे। इसमें भी वही प्रोसेस है जो हम तवे पे अपनाते हैं, तवे पे हम एक रोटी डालकर हम दूसरी रोटी तैयार कर लेते हैं, वही हमको तरीका अपनाना है। देखिए मैंने अभी ये रोटी पलट दी है, सेम प्रोसेस मैंने पहले भी कह चुकी हूँ कि जैसे हम तवे पे बनाते हैं वही तरीका हमको अपनाना है, इसमें कुछ अलग नहीं है। चूल्हे की बनी रोटियाँ कितनी स्वादिष्ट होती हैं ये तो हम सभी जानते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं ये तरीका आपके लिए लेकर आई हूँ जो आपको बिल्कुल परफेक्ट वही स्वाद देने वाला है। अब ये रोटी हमारी फूलने लगी है, अब मैं इसको साइड में रख कर इसको सेक लूँगी। देखिए परफेक्ट पूरी तरह से फूल गई है, एकदम बॉल की तरह। आपकी भी ऐसे ही रोटियाँ फूलने वाली हैं, ये तरीके को आप ज़रूर अपनाइएगा। देखिए फ्रेंड्स, अब ये पूरी तरह से सिक गई है। मैंने इस कल्ले को इस पर गैस के ऊपर रख दिया है, और अब मैं इस रोटी को पलट दूँगी। इस तरीके से अब हम सारी रोटियाँ तैयार कर लेंगे। देखिए ये भी थोड़ी देर में होने वाली है, जैसे ही थोड़ी थोड़ी फूलेगी, देखिए मैं आपको ये पास से दिखाती हूँ, जैसे ये फूलने लगेगी आपको इसको कल्ले को साइड में रखना है और रोटी को गैस के ऊपर सेक लेनी है। फ्रेंड्स, आपके खाने के स्वाद को बढ़ाने वाली हैं ये रोटियाँ, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और थोड़ी हेल्पफुल लगी होगी। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, और पास ही एक छोटा सा दिखेगा आपको बेल बटन, तो उसे दबाना ना भूलें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहेगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये रोटियां तैयार कर ली हैं जो कि बहुत ही सॉफ्ट हैं और बहुत ही स्वादिष्ट हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।